देसी कुकिंग शो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज मैं पार्ले जी बिस्किट से चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। एक बार अगर आप ये केक बना लेंगे तो फिर बार बार यही केक बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं और उनको टुकड़ों में तोड़ लिया है। और तोड़ने के बाद फिर इसको एक मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी में डालने के बाद इसमें थोड़ी चीनी डालेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, उसको इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसको बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। अब ये देखिए पूरा पीस गया है, एकदम बारीक पिसा है, बिल्कुल इस तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसको एक बोल में निकाल लेंगे। सारा पाउडर बोल में निकाल के रख लिया है। अब एक केक टिन तैयार करके रखेंगे पहले से, क्योंकि जब ये एक बार मिक्सचर बन जाएगा तो उसको तुरंत इसमें डालना होगा। तो इसके लिए मैंने केक टिन में नीचे ऑयल लगा दिया थोड़ा, फिर उसके ऊपर से बटर पेपर गोल काट के उसको भी लगा दिया है, और इसके ऊपर फिर से ऑयल थोड़ा लगा दिया है ताकि जब हम केक निकालें तो आसानी से निकल आए। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें इसके ऊपर, और फिर एक्स्ट्रा मैदा जो है उसको झाड़ दें। इस तरीके से केक टिन तैयार कर लें। अब इसको बनाना शुरू करते हैं मिक्सचर को। तो इसके लिए मैंने ये जो बिस्किट का पाउडर है इसके अंदर 3 टीस्पून कोकोआ पाउडर डाला है। इसको डालने के बाद पहले इसको अच्छे से मिला दें ताकि वो पूरा बिस्किट के पाउडर में पूरा अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऐसा ऑयल लें जिसमें कोई स्मेल ना आती हो, इस तरीके का ऑयल लें और इसमें मिक्स कर दें। अब उसमें 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है, उसको डाल दिया है। तो ये वनीला एसेंस डाल के भी इसको मिला लें अच्छे से ताकि ये पूरे पाउडर में अच्छे से मिल जाए। और अब ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब इसको मिलाने के लिए मैंने 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, और इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे विस्कर से। इकट्ठा एक साथ दूध नहीं डालना है पूरा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। और इसको लगातार मिलाते रहे। अब ये तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम और पिस्ता। बादाम को ब्लांच करके उसका छिलका निकाल के इसको काट लिया है, और पिस्ते लिए हैं, और इनको थोड़ा सा इस मटेरियल के अंदर डाल देंगे ताकि केक में जब अंदर से भी ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आए। तो ये डाल के मैंने मिक्स कर दिए और थोड़े से मचा के रख लिए ड्राई फ्रूट्स। उसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल के और उसको तैयार कर लूँगी ताकि जब मैं ऊपर से इनको डालें तो ये अंदर ना डिप हो। अब 1 इनो कप सैशे लिया और उसको इसमें डाल दिया जो हमने मिक्सचर तैयार किया था केक का। इसमें डालने के बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा दूध जो है इसके ऊपर से डाल देंगे तो इनो फटाफट एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें बहुत सारे बबल्स बनेंगे जो कि हमारे जो मिक्सचर तैयार किया उसको पूरा फ्लफी बना देंगे, एकदम फूल जाएगा मिक्सचर। और इसको अब इस समय तुरंत हमको केक टिन में डालना है। इसको अच्छी तरीके से पहले मिला लें, उसके बाद तुरंत इसको केक टिन में डाल दें। अब इसको इस समय बिल्कुल भी हमें देर नहीं करनी है। जैसे ही हम इसमें इनो मिलाते हैं उसके बाद तुरंत हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे केक टिन में, और इसको थोड़ा सा टैप कर दें ताकि इसके अंदर कोई बबल हो तो वो निकल जाएगा। अब ये ऊपर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स मैदा मिला के रखे हुए थे, थोड़ा सा मैदा डाल के उसको भी ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से। चारों तरफ अच्छे तरीके से डाल दें जो भी ड्राई फ्रूट्स काट रखे हुए हैं, जिससे खाने में और देखने में बहुत ही सुंदर दिखेगा, एकदम ब्राउनी की तरह इसकी लुकिंग और टेस्ट आएगा। अब मैंने कुछ चोको चिप्स लिए हैं, उनको भी ऊपर से डाल दिया है। चोको चिप्स डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। हालाँकि चोको चिप्स मेल्ट हो जाएंगे गर्म होने से, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे केक का। तो एक बार इसको ज़रूर डाल के देखें आप। अब मैंने कढ़ाई 10 मिनट पहले इसको गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पर, उस पर मैंने एक स्टैंड रखा है और उसके ऊपर ये केक टिन रख दिया है। अब इसको ढक देंगे, किसी भी ढक्कन से ढक दें। और ढकने के बाद इसको कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए इस पर पकने दें, बेक होने दें। अब ये देखिए 10 मिनट बाद ही ये फूलना शुरू हो गया है।
लेकिन अभी इसको हमको खोलना नहीं है, बिल्कुल भी लिड को लगा रहे हैं, तो 20-25 मिनट बाद इसको खोल के पहली बार चेक करेंगे। टूथपिक लें और उसको इसके अंदर डाल के देखें, अगर टूथपिक में कुछ चिपकता नहीं है तो इसका मतलब ये अंदर तक पक चुका है। इस तरीके से चेक कर लें एक दो जगह से इसको, और अगर जब ये दिखे कि पूरी तरीके से पक चुका है तो गैस ऑफ कर दें। इसको पकने में कम से कम 30-35 मिनट लग जाते हैं बस इस तरीके से, लेकिन अभी इसको हमें निकालना नहीं है, इसको ढक के 10 मिनट कढ़ाई में ही रहने दें। उसके बाद फिर इसको ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड करें। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही सॉफ्ट केक बना हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार इस तरीके से आप बनाएंगे तो बार बार फिर आपका मन होगा पार्ले जी का ही केक बनाने का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।